कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। मैं भी कोर्ट में उन्हें दिन में तारे दिखाऊंगी। मेरी तो ख्वाहिश है कोर्ट कचहरी से पहले ही अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे और वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। बहुत सुकून में हो ना तुम? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जो थप्पड़ तुमने मेरे मुंह पर मारा था ना, उसके निशाना तुम अपने वजूद पर तलाश करोगी। ये मेरी बेटी है। मैंने कहा छोड़ो इसे। तरबियत में तुम्हें नहीं करने दूंगा। छोड़ो, मैं कह रही हूँ। मुझे छोड़ो। ये मेरी बेटी है और इसकी तरबियत में तुम्हें नहीं करने दूंगा। सलमान बेटा, ऐसे नहीं करते। हम बैठ के बात कर लेते हैं ना, आओ। बैठ कर बात करने का वक्त जा चुका है। छोटू, तुम इसके बगैर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकती हो? तुम अपनी माँ के बगैर नहीं रही? ये मेरी बेटी है, मेरे साथ ही रहेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सलमान रुक जाओ। सलमान, ये इन साहब की बाइक आई, ये सलमान साहब की गाड़ी आई और हिट किया। ये इन दोनों के दरमियान तक लामी हो रही है और वो देखे मैडम उरूज आई, सलमान साहब को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया और रुक गई। ये साहब वही हैं जो सलमान साहब से मिलने आए थे और सलमान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था। बस आपको आइडिया है कुछ ये मैडम उरूज कैसे? तुम इस वीडियो को हमारे सिक्योरिटी कंप्यूटर से डिलीट करो और इस मोबाइल से भी डिलीट करो। इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि सलमान ने जानबूझकर शोहेब को गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की है। बस आपको हम साहब का नाम कैसे पता? ज्यादा फजूल बातें मत करो, वीडियो डिलीट करो, इससे सलमान मुश्किल में पड़ सकता है। बस यहाँ से तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन आसपास की बिल्डिंग्स में भी सीसीटीवी लगी हुई। किस कदर बेवकूफ है ये सलमान। अच्छा हुआ कि शोएब को कुछ नहीं हुआ, वरना सारा का सारा खेल खराब हो जाता। पता नहीं कौन उसे ये बेवकूफी का मशवरे दे रहा है। नवाज फौरन मेरे कमरे में आओ, जल्दी। जी बॉस, बुलाया आपने? उस फुटेज को डिलीट करने से पहले सलमान को दिखा देना कि उसने क्या मिस्टेक किया है। लेकिन बॉस, सलमान साहब तो ऑफिस में नहीं है। क्यों, कहाँ है, कहाँ गया है? वो आजकल किसी भी वक्त उठ के चले जाते हैं, बताते नहीं है। अच्छा ठीक है अम्मा, सलमान का इंतजार नहीं कर सकते, तुम वो डिलीट कर दो।
और उस वीडियो का जिक्र किसी के सामने नहीं करना। जी बस। देखो बेटा किस तरह बदतमीज है। आइंदा मेरी अम्मी से एहतियात से बात कीजिएगा। इधर देखो सलमान, सलमान तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। तुम्हें सलमान, सलमान नहीं छोड़ दे अब्बू। नहीं क्यों रोक रहे हैं आप इसे? क्या करोगे तुम मेरा? हाँ रुक क्यों गए? और क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी इन हरकतों से मैं डर जाऊंगी? मैं किसी से नहीं डरती। कान खोल के सुन ले आप सब लोग। बकवास बंद करो अपनी। अभी उठाकर बाहर फेंकूंगा तुम्हें। ये मेरा और मेरी माँ का घर है। कोई भी हमें यहां से नहीं निकाल सकता, समझे तुम लोग? कान खोल के सुन लो, ये मेरा और मेरी माँ का घर है। सलमान तुम जैसे पढ़े लिखे लड़के से इस किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती। हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? तुम चुप रहो। तुमने बताया क्यों नहीं कि इसका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? बताया तो था। होशियार मत बनो। ये तो नहीं बताया था ना किसके साथ हुआ है? और मुझे यकीन है कि तुम्हें मालूम भी था।